डेंगू से जुड़ा हुआ अच्छा क्या हो सकता है? अच्छी खबर यह है कि डेंगू का तोड़ मिल गया है। डेंगू के मच्छर की लार्वा को चट करने वाली गंबूसिया मछली या मॉस्किटो फिश की डिमांड देश के अलग अलग राज्यों में काफी बढ़ गई है। तो कैसे ये मछली लार्वा को चट करती है और कैसे डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है, आइए देखते हैं। फिरोजाबाद, मथुरा, बदायूं से लेकर बंगाल के सिलीगुड़ी और तमिलनाडु के कोयम्बटूर तक अगर किसी एक मछली की सरकारी स्तर पर सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है गंबूसिया मछली। इसे मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। ये मछली डेंगू के लार्वा को अपना शिकार बनाती है, इसलिए डेंगू के कहर से जूझ रहे जिलों में इस मछली की जबरदस्त मांग है। बीते कुछ हफ्तों में 1 लाख से ज्यादा लोग देश के अलग अलग हिस्सों में डेंगू की चपेट में आए। ये तो महज सरकारी आंकड़ा है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा है। केंद्र ने हाल ही में स्थिति खराब होती देख 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च स्तर की टीमें भेजी। पंजाब में 18,000 से ज्यादा मरीज मिले। खास बात यह है कि गंबूसिया मछली 8 घंटों में 150 से ज्यादा मच्छरों के लार्वा को चट कर जाती है। ये मच्छरों की रोकथाम के लिए एक शानदार बायोलॉजिकल हथियार है। डेंगू से निपटने में गंबूसिया के जरिए प्रशासन को कई जिलों में अच्छी कामयाबी मिली है। 2 लाख से ज्यादा मछलियां बंगाल के सिलीगुड़ी में अलग अलग जगहों पर पानी में छोड़ी गई। इसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु और पंजाब के मोहाली, अमृतसर और हरियाणा के पंचकुला में इन मछलियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। मच्छर है, अपना जो अंडा है मादा वो पानी में देती है, तो जो तालाब होते हैं वहाँ पर मेजर मात्रा में देती है, क्योंकि रुका हुआ ठहरा हुआ पानी होता है। तो जो अंडे से निकलने के बाद मच्छर की एक स्टेज होती है लार्वा की, तो ये जो गंबूसिया मछली है उस लार्वा को खाती है। इसका चूंकि भोजन ही वो मतलब लार्वा है, और ये बहुत अधिक मात्रा में मतलब ब्रीड करती है, जैसे बहुत अच्छे एक बार में 100 से 200 बच्चे देती है, सीधे ये मछली ही पैदा करती है। तो ये अधिक से अधिक लार्वा खाती है, चूँकि इसका खाना ही लार्वा है, तो मतलब लार्वा को ख़त्म करती है। इससे क्या होगा, कम लार्वा एडल्ट मच्छर बनेगा, तो मच्छर जब कम होगा तो बीमारी कम फैलेगी। गंबूसिया मादा मछली साइज में नर मछली से बड़ी होती है और ये आसानी से उपलब्ध है। इन्हें पालना भी बेहद आसान है। तालाबों, पानी की टंकियों से लेकर कंटेनरों और नदियों में इन्हें छोड़ा जा सकता है। ये घर में भी आपके फिश टैंक में आसानी से पल सकती हैं। अगर आप भी अपने इलाके में डेंगू से परेशान हैं, तो अन्य उपायों के साथ साथ आसपास खड़े साफ पानी में इस मछली का प्रयोग कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ये खबर बताती है कि अगर कोई समस्या है तो कुदरत ने उसका तोड़ भी दिया है। गंबूसिया या मॉस्किटो फिश इसी की मिसाल है, जो कि डेंगू के मच्छरों और मलेरिया के मच्छरों को निपटाती है।